नमस्कार और आपके साथ मैं हूं फराह खान। दिल्ली पुलिस के एक एसीपी की एक गाड़ी से टक्कर लगने के बाद उनकी मौत हो गई। बताया गया कि 58 साल के एसीपी संकेत कौशिक जब ड्यूटी पर थे तभी उन्हें एक छोटे से ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे के बाद एसीपी को एम्स ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। एसीपी संकेत कौशिक ट्रैफिक विभाग में तैनात थे। हादसे के बाद टक्कर मारने वाली गाड़ी का ड्राइवर और गाड़ी समेत फरार हो गया और अब पुलिस उसकी जाँच कर रही है कि कहीं एसीपी संकेत को टक्कर जानबूझ कर तो नहीं मारी गई। ड्यूटी के वक्त एसीपी संकेत कौशिक तैनात थे जिनको एक छोटे ट्रक ने टक्कर मारी जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स ले जाया गया लेकिन जहां पर उनकी मौत हो गई। अब पूरी पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। पता है टाटा 407 कैंटर थी, वो गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जा रही थी और नो एंट्री का टाइम हो चुका था। हम लोग अपनी गाड़ियां लगा के साइड में खड़े हुए थे तो हमने देखा कि आवाज आई है काफी जोर से गाड़ी टकराने की। तो उसके बाद में जब हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जब गाड़ी टकराने की आवाज़ आई उसके बाद हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया फिर भी जब लेकिन जब देखा कि चिंगारी निकल रही है रोड पे 5-4 तो हम लोग भाग के आए। तो जब तक गाड़ी तो आगे निकल चुकी थी बट जो बॉडी थी वो साइड में पड़ी हुई थी। तो काफ़ी सारे ड्राइवर्स थे उन्होंने सबने वो मिल के डिवाइडर हटाया उनके ऊपर से। फिर दीपक मिश्र हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, जिस ट्रक से उनको टक्कर मारी गई उस ड्राइवर का अभी कुछ पता चला? पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं और आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको खंगाला जा रहा है क्योंकि टाटा 407 से जिस वक्त गाड़ी मारी थी क्योंकि अंधेरा था और उस वक्त नो एंट्री का समय होता है और कई सारी गाड़ियां उस रूट पर रहती हैं और संकेत कौशिक जो एसीपी थे वो पूरा डायवर्जन करने के बाद वहां पर रुके थे लेकिन किस तरह से एक्सीडेंट हुआ अभी तक पुलिस को ये नहीं पता चल पाया। लेकिन जो आसपास के लोग थे उन्होंने काफी तेज आवाज सुनी थी जैसा उन्होंने चश्मदीद ने बताया। तो अभी पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं ताकि जो आरोपी चालक है क्योंकि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं या तो उस रूट पर गुड़गांव की तरफ होगा या फिर जो दिल्ली के कई रूट्स हैं कहीं भी जा सकता है तो इसलिए सब जगह जो है नाकेबंदी करके तलाश की जा रही है। जी